जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में। साथियों, 3 से 4 मिनट में मैं आपको सारे राज्यों के आंकड़े बता दूंगा कि कौन से राज्य ने कितनी सीटें साथियों जीती हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। तो साथियों, बिना समय गवाए यहां पर शुरू कर देते। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र में टोटल सीटें साथियों कितनी है, टोटल सीटें 48 हैं। और 48 की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 17 सीटें जीती हैं साथियों इंडिया गठबंधन ने। बीजेपी ने 30 सीटें जीती हैं और अदर ने साथियों यहां पर 1 सीट जीती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में कुल मिला के साथियों 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में से साथियों 5 बीजेपी की रही है और 5 इंडिया गठबंधन की रही है, अदर को साथियों कोई सीट नहीं मिली है। उसके बाद जब हम बात करते हैं साथियों असम की, तो असम में साथियों कितनी सीटें मिली है, यानी कि असम में साथियों 14 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 11 सीटें मिली है और 3 सीटें मिली है साथियों इंडिया गठबंधन को, अदर को कुछ सीटें नहीं मिली है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर राजस्थान की, तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में साथियों 25 सीटें हैं जिसमें से 14 सीटें मिली हैं बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को मिली हैं साथियों 11 सीटें और अदर को कोई सीट नहीं मिली है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों गुजरात की, तो गुजरात में बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से साथियों जीती है। कुल मिला के साथियों 26 सीटें यहां पर हैं जिसमें से सिर्फ 1 सीट मिली है इंडिया गठबंधन को और 25 की 25 सीटें मिली है साथियों बीजेपी को। चलिए, क्यों? क्योंकि ये तो एक तरीके से साथियों गढ़ है, ठीक है ना। गुजरात की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये पहले साथियों अगर बात करें प्रधानमंत्री बनने से पहले ये मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं साथियों कहां के मुख्यमंत्री थे, तो ये साथियों गुजरात के ही मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। तो इनका तो वो एक गढ़ है साथियों, तभी तो इतनी यहां पर बढ़िया तरीके से जीती है बीजेपी। उसके बाद जब हम साथियों बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की अगर बात करते कि पंजाब वाले लोग बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पंजाब में साथियों आम आदमी पार्टी, तो वो साथियों एक तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ गए थे। मतलब कुल मिला के अगर बात करें साथियों 10 सीटें मिली हैं, 13 सीटों में से कुल मिला के 10 सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन को और 3 सीटें मिली हैं साथियों किसको, 3 सीटें यहां पर मिली हैं साथियों अदर्स को। चलिए, अब उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं अगले की, देखिए यहां पर अगर बात करें अभी क्या हो रहा है साथियों, अभी बहुत अच्छे तरीके से क्या फैसला आ गया है, क्या पता चल गया है कौन जीता है कौन हारा है, तो अभी नहीं साथियों मैं कह सकता, क्योंकि टोटल सीटें कितनी है वो मैं आपको साथियों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब कुल मिला के साथियों बहुत ही जल्द आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी होंगे या राहुल गांधी होंगे, क्योंकि मामला जो अटका हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर साथियों अटका हुआ है। अगर नीतीश कुमार साथियों इनकी तरफ आ जाते हैं तो साथियों इनकी तरफ आ जाते हैं तो ये जीत जाएंगे, और अगर इनकी तरफ आ जाते हैं तो ये जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि साथियों कांग्रेस की अगर बात करते हैं, तो जब हम नीतीश कुमार की बात करें, मैं आपको साथियों बतला देता हूं, देखिए नीतीश कुमार की अगर बात करें, तो नीतीश कुमार को कहा गया है कि आपको भैया जो है ना वो उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अगर राहुल गांधी क्या बनते हैं, अगर राहुल गांधी साथियों प्रधानमंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। तो साथियों मेरा मानना है कि जो वहां पर साथियों लगभग 28 से 29 सीटें बिहार की तरफ से साथियों मिली हैं, वो अगर ये राहुल गांधी को दे देते हैं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो साथियों समझ लीजिए ये तो उप मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। तो पंजाब की अगर बात करें साथियों 13 टोटल सीटें हैं इंडिया गठबंधन को, 10 सीटें और बीजेपी को कोई सीट नहीं यहां से मिली है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों केरला की, तो केरला में साथियों कुल मिला के कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं जिसमें से इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी साथियों जीत हासिल हुई है। 18 सीटें यहां पर मिली हैं इंडिया गठबंधन को, 1 सीट मिली है साथियों बीजेपी को और 1 सीट मिली है साथियों अदर्स को। चलिए, उसके बाद यहां पर अगर बात करें अगले की अगर बात करते हैं साथियों, वो भी आप लोग देख लीजिए, दिल्ली की अगर बात करें, तो दिल्ली में कुल मिला के 7 सीटें हैं और 7ों की 7 सीटें कौन ले गए हैं, बीजेपी वाले ले गए हैं। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों बिहार की अगर बात करते हैं, तो बिहार में कुल मिला के साथियों 40 सीटें हैं और यहां पर अगर बात करें 40 सीटें हैं, तो 40 सीटों में से अब यहां पर देख लीजिए कि बीजेपी को साथियों 30 सीटें मिली हैं, और अगर बात करते हैं एनडी साथियों किसको, इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली है, अदर को साथियों 1 सीट मिली है, ठीक है ना। तो साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, उसके बाद अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में साथियों कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में तो हैं 80 सीटें जिसमें से साथियों इंडिया गठबंधन को 40 सीटें मिली हैं, बीजेपी को साथियों 39 सीटें मिली हैं, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों
40-39 का आंकड़ा है, ठीक है ना, 40-39 का एक सीट यहां पर मिली होगी इसको, इसको मिली है। यहां पर साथियों अगर बात करते हैं ना यूपी की, तो यूपी में साथियों सपा बहुत इसका जलवा है एक तरीके से, मैं कह दूं, ठीक है ना, सपा का जलवा है। तो सपा एक तरीके से, सपा को बहुत सारी सीटें यहां पर से मिल गई उत्तर प्रदेश से। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो टोटल मिला के साथियों 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली है। और यहां पर अगर बात करें साथियों बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, बीजेपी को 29 की 29 सीटें मिली है। यानी कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी बहुत साथियों बीजेपी ने अपना पूरा जलवा बिखेर कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में साथियों कुल मिला के 42 सीटें हैं। और जब 42 सीटें हैं, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुल मिला के यहां पर अगर बात करें इंडिया गठबंधन की कुल मिला के कितनी सीटें हैं, और अगर बात करते हैं एनडीए की यानी कि बीजेपी की कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। वैसे तो 543 कुल मिला के साथियों सीटें हैं, लेकिन इनको कितनी सीटें मिल रही है और इनको कितनी सीटें मिल रही है और इनको जीतने के लिए कितनी सीटें चाहिए हैं और इनकी अगर कितनी सीटें कम हो जाए तो ये हार जाएंगे और ये जीत जाएंगे। चलिए तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें साथियों 42 सीटें इनको मिली है, और पश्चिम बंगाल को 42 सीटें मिली हैं, जिसमें से साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं इंडिया गठबंधन को 30 सीटें और बीजेपी को साथियों 12 सीटें। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं साथियों 25 सीटें कुल मिला के आंध्र प्रदेश में है, जिसमें से बीजेपी को 21 सीटें मिली है और इंडिया गठबंधन को साथियों 4 सीटें मिली है। उसके बाद देखिए तेलंगाना की अगर बात करें तो 17 सीटें कुल मिला के हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 8 सीटें और बीजेपी को साथियों 8 सीटें और एक सीट साथियों इंड अदर को मिली है। उसके बाद अगर ओडिशा की बात करें तो कुल मिला के साथियों 21 सीटें, कितनी सीटें हैं 21 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिली है इंडिया गठबंधन को और 19 सीट मिले हैं साथियों बीजेपी को और एक सीट मिली है साथियों अदर्स को। चलिए साथियों अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या, हम लोग साथियों यहां पर देख लेते हैं। मैं सबसे पहले साथियों इसको क्या करता हूं, इसको एक तरीके से यहां पर से साथियों इरेज कर देता हूं इसके पहले। देखिए अब इसके पहले साथियों हमने इरेज कर दिया, अब यहां पर हम लोग ये देख लेंगे कि आखिर बीजेपी ने कितनी टोटल साथियों सीटें जीती है, बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है ये हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखिए बीजेपी की अगर साथियों बात करते हैं, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों बीजेपी को कितनी सीटें कुल मिला के मिली हैं, तो बीजेपी को साथियों कितनी मिले हैं और इंडिया गठबंधन को साथियों कुल मिला के कितनी सीटें मिली हैं, तो इंडिया गठबंधन को साथियों 238 सीटें मिली हैं। कितनी सीटें मिली हैं 201 सेकेंड, कितनी सीटें मिली हैं साथियों अगर बात करें 238 सीटें मिली हैं, तो 238 सीटें तो इनको मिल गई। उसके अलावा अगर इनकी बात करें तो 289 सीटें साथियों इनको मिली हैं। अच्छा टोटल सीट की अगर बात करते हैं तो टोटल सीट्स का साथियों कितनी है, टोटल सीट्स की अगर बात करें तो 543 साथियों टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 289 सीट मिली है साथियों 289 दिस बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को साथियों 238 सीट मिली है और अदर की अगर बात करते हैं ना साथियों तो अदर को कितनी सीट मिली है, महज 16 सीट मिली है। अब अगर देखिए अब यहां पर अगर बात करें, अब अगर इंडिया गठबंधन को जिताना है ना तो ये अदर वाले भी क्या करें साथियों, ये इधर चले जाए अगर मैं अगर साथियों जिताना है तो, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों बिहार के, अगर बात करते हैं साथियों बिहार के सीएम यानी के नीतीश कुमार की, जब हम साथ बातियों बात करते हैं नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो सीटें मिली है ना साथियों लगभग लगभग मान लीजिए 28 सीटें मिली हैं, तो एक तो 16 इधर चली जाए और 28 इसमें से निकलकर इसमें चली जाए, तो 16 और 28 साथियों कितनी हो जाएंगी एक तरीके से अगर बात करें तो ये आपकी हो जाएंगी साथियों 44, यानी कि 238 और 44 अगर साथियों हम लोग जोड़ लें तो कितना हो जाएगा एक तरीके से साथियों 282 हो जाएगा। अब जब यहां पर साथियों 282 हो जाएगा यानी कि अब इंडिया गठबंधन को मान लीजिए 282 सीट मिली है, अब इसमें से साथियों 28 जो हमने यहां पर नीतीश कुमार ने दी थी ना इसमें से अगर हम माइनस कर लेंगे तो 1 और 6 और 2, 261 बीजेपी की, 282 इंडिया गठबंधन की, तो कौन विजय होगा साथियों, इंडिया गठबंधन विजय होगी, ठीक है ना। लेकिन अभी साथियों आंकड़ों के अनुसार अगर नीतीश कुमार भैया नहीं मानते हैं और नहीं सीटें देते हैं इंडिया गठबंधन को तो कौन जीतेगा, तो साथियों बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन हाँ जो साथियों इनका 400 पार वाला आंकड़ा था वो एक तरीके से नहीं यहाँ पर हो पाया है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों जो भी होगा बहुत जल्द आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो जो कुछ साथियों मेरे से हो सका मैंने सारी जानकारी आपको दी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपकी राय क्या है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।